चंपक वन के जंगल में टुनटुनी अपनी सास रानू चिड़िया के साथ रहती थी। वे दोनों बहुत ही गरीब थी। उनके पास गायू नाम की एक गाय थी जो दिन में सुबह शाम दो बार दूध देती थी। उस गाय का दूध बेचकर ही वे दोनों अपना गुजर बसर कर पाती थी। चंपक वन जंगल के सभी पक्षियों ने बारिश को देखते हुए अपने घर की मरम्मत करा ली थी, लेकिन बिचारी गरीब सास बहू किसी तरह पुराने और कच्चे घर में ही अपने जीवन काट रही थी। सर्दियों का मौसम आ चुका था और चारों तरफ ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। एक शाम कमला अपनी बहू से, बहू, अरे ओ बहू, देख तो दरवाजा खुला रह गया है, बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। माँ जी, कितनी बार किवाड़ लगा दी, लेकिन हवा का रुख तेज है जिस वजह से दरवाजा अपने आप खुल जा रहा है। हाँ, क्या करे बहू, हमारी नसीबी ऐसी है। ये घर और इसके दरवाजे खिड़कियाँ इतने पुराने और टूटे फूटे हैं कि इसमें ठंड रुकेगी भी तो कहाँ से। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं ये किवाड़ बंद करके पत्थर लगा देती हूँ जिस वजह से थोड़ी हवा कम हो जाएगी। टुनटुनी के घर की हालत पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। जैसे तैसे टुनटुनी ने जुगाड़ करके दरवाजा बंद किया और खा पी कर सो गई। उनकी आँख लगे अभी कुछ ही घंटे हुए थे, उनकी गाय गायू ने रंभाना शुरू कर दिया। हाय रे मरजानी, ये गायू को क्या हो गया जो इतनी रात को चिल्ला चिल्ला कर हमारी नींद खराब कर रही है। अरे वो बहू, उठकर देख तो क्या चाहिए इस गायू को। टुनटुनी बाहर जाकर देखती है तो बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है और उसका घर जोर जोर से हिलने लगता है। माँ जी, जल्दी उठिए, अपना घर कभी भी कह सकता है, चलिए अपनी जान बचाइए। दोनों जल्दी से बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं, तभी उनका घर गिर जाता है। हे राम, एकमात्र छत ही तो हम दोनों का सहारा था, अब हम कहाँ जाएंगे। तू इतना निर्दयी क्यों है भगवान, एक तो हमारे सर पर छत नहीं, ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। दोनों सास बहू सारी रात गौशाले में खड़ी होकर गुजारती हैं। माँ जी, हमें रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा, कल की रात तो हमने जैसे तैसे खड़े होकर गुजार ली, अब और नहीं। तू चिंता मत कर बहू, सेठ से कुछ पैसे उधार लाती हूँ, कम से कम एक बार पक्का घर बनेगा तो हर साल रोना नहीं पड़ेगा। रानू इसी सोच के साथ सेठ कालू कौए के घर जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, कल रात तूफान में हमारा घर ढह गया, पक्का घर बनवाने के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दुआओं का क्या मैं अचार डालूंगा, मैं बिना मुनाफे के कोई सौदा नहीं करता, समझी। पहले तुम्हें अपनी कोई चीज गिरवी रखनी होगी, तभी मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझ गरीब के पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। कितना झूठ बोलती है रानू, तुम्हारे पास तो हीरे के रूप में तुम्हारी जवान बहू है, उसे तुम मेरे पास गिरवी रख दे, जब तू मेरे पैसे लौटा देगी तब उसे ले जाना। नीच कमीने, तेरी सोच कितनी घटिया है। अरे हम गरीब जरूर हैं, लेकिन सौदागर नहीं, एक गरीब के लिए उसकी इज्जत ही जीवन भर की जमा पूंजी होती है। फिर रानो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसे आता देख टुनटुनी उससे पूछती है, अरे माँ जी आ गई आप, सेठ जी ने आपको पैसे दिए। रानू उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर टुनटुनी को बहुत धक्का लगता है और वो कहती है, आज भी दुनिया में ऐसे भेड़िये मौजूद बैठे हैं जो गरीब बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वे दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ कालू कौआ आ जाता है और कहता है, शायद तुम भूल रही हो रानू, अब ये जमीन मेरी है, तुम्हारे पति ने ये जमीन मेरे पास गिरवी रखा था, लेकिन वो उसको छुड़वाए बिना ही मर गया, इसलिए इस जमीन पर अब मेरा कब्जा है,
चलो निकलो यहाँ से। बिचारी सास बहु गायू को अपने साथ लेकर वहाँ से चल पड़ती हैं। रोते रोते दोनों नदी के किनारे पहुँचती हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहु की क्या करे। पहले तो सर से छत गई थी, अब तो जमीन भी चली गई और हमारे पास तो रहने के लिए कोई जमीन भी नहीं है जहाँ हम अपना घर बना पाए। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। तभी दोनों को प्यास लगती है और वो नदी के किनारे पहुँच जाती हैं। तभी टुनटुनी के रोते हुए आंसू नदी में गिर जाते हैं। आंसू नदी में मिलते ही वहाँ नदी देवी प्रकट होती हैं और टुनटुनी से कहती हैं, तुम दोनों फिक्र मत करो बच्चों, अगर तुम्हारे पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो इस नदी पर तुम घर बना सकती हो। नदी पर घर, ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है पुत्री, तुम इस नदी पर अपना घर बनाकर ताउम्र यहाँ रह सकती हो। तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, इस नदी पर मेरी कृपा है तो यहाँ बाढ़ और भूकंप कुछ भी नहीं आ सकता। तुम्हारे इस नदी पर बने घर में कोई भी आ जा सकता है, लेकिन तुम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी घर नहीं बना सकता। ये कहकर नदी देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी देवी। बहु, घर बनाने के लिए हमें जगह तो मिल गई, लेकिन हम नदी पर घर बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। आप परेशान मत होइए माँ जी, हमारा घर जरूर बनेगा, वो भी बिना पैसे के। जब मैं छोटी थी तब मेरे नाना जी पूस गोबर और मिट्टी से घर बनाते थे, तो बस हम भी वैसे ही घर बनाएंगे। इसके बाद दोनों ने सामान इकट्ठा किया और घर बनाने में जुट गई। आखिरकार दोनों सास बहु ने पूस की झोपड़ी बनाकर तैयार कर ली। फिर रात को दोनों सास बहु उस झोपड़ी में सो गए। अगले दिन उन्होंने गायों के लिए भी एक गौशाला बनाई। जंगल के सभी पक्षियों को घास फूस की झोपड़ी पसंद आने लगी। वो टुनटुनी को घास फूस की झोपड़ी बनाने का काम देने लगे। इस तरह दोनों सास बहु खूब ढेर सारे पैसे कमाने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।